अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्मी, हमसे तो कोई काम वाली बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी, इसके कहने पर जो देखो दौड़ा चला आता। ये घर सिर्फ तुम्हारे हाथों में महफूज रह सकता है दुआ, अगर निजाम सिर्फ तुम चला सकती हो। तुमने मेरे मकान को फिर से घर बना दिया दुआ। दुआ, मुझे तुमसे कितनी ही शिकायतें क्यों ना हो, लेकिन घर संभालने के मामले में तुम्हारी काबिलियत से मैं इनकार नहीं कर सकती। मेरा हेदू वाकई सही कह रहा था, इस घर को सिर्फ और सिर्फ तुम संभाल सकती हो। अम्मी, आप वाकई में मुझे, क्योंकि तुम हो ही इसी लायक। क्या है नदुआ, कुछ औरतें सिर्फ चूल्हा चौखा करने के लिए ही पैदा होती हैं, तुम उन्हीं में से एक हो। दुनिया को तुम जैसी औरतों से बस एक ही फायदा होता है, तुम रोटियां अच्छी बनाती हो। गंदे कपड़े धोती हो, घर साफ रखती हो। और दुआ, मैं तुम्हारी खुददारी से बेहद खुश हूं, क्योंकि अब तुम पहले जैसे मुफ्त की रोटियां जो नहीं तोड़ती, शाबाश। ये तो गलत बात कर दी आपने अम्मी। अगर दुआ इस घर को संभाल रही है तो उसे एहसान समझिए, अपना हक समझने की गलती मत कीजिए। और रही बात काबिलियत की, तो किस्सा तो अब छेड़िए मत तुम्हें, क्योंकि बात बहुत दूर तक जाएगी। और दुआ, अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, और जिस इंसान को जिम्मेदारी का एहसास होता है वो पूरा शहर चला सकता है। तो फिर ये घर क्या बिसात है? शायद आप भूल रही हैं अम्मी कि हैदर डिजाइन्स का सिर्फ एक शोरूम हुआ करता था, और दुआ की वजह से आज पूरे मुल्क में 11 शोरूम है। उन शोरूम में काम करने वाले लोगों से पूछिए कि दुआ की अहमियत क्या है। दुआ ने सिर्फ चूल्हा चौका नहीं सिखाया, बल्कि दुआ की वजह से कितने घरों के चूल्हे चलते हैं ये तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। नहीं, शादी में लड़कियां दुआ के बनाए हुए डिजाइन पहन के खुद को खास समझती हैं। दुआ के हम पे कई एहसान है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।